उसमें हम दो बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके रखा हुआ है लहसुन, इसे ऐड कर देंगे। हल्का सा कुक होने देंगे इसको। लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ मीडियम साइज का प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए, अब ये हम 1/4 टीस्पून जितना इसमें नमक डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर कर कश्मीरी लाल मिर्च। फ्रेंड्स ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, बट इसको डालने से जो हमारी सॉस है उसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब ये देखिए मेरे पास 6-7 मीडियम साइज के टमेटोज हैं जिनको मैंने मिक्सी में पीस के रखा है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट होना शुरू ना हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट होना थोड़ा शुरू हो गया। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच, ये है चिली सॉस। 2 चम्मच इसमें डाल देंगे हम टमेटो सॉस, मिक्स हर्ब या ऑरिगेनो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आधा छोटा चम्मच वो डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच ही इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। ये देखिए ये हमारी सॉस बनकर बिल्कुल रेडी है। बटर ऐड किया, अब 1 चम्मच भर कर इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदा थोड़ा कुक हो जाएगा बटर में तो इसमें हम धीरे धीरे दूध ऐड करेंगे। कॉन्टिन्यूसली स्पैचुले को चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्प ना बने। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब्स जो भी आपके पास हो और बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितना इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखिए अब इसमें हम पिज्जा चीज ऐड कर देंगे। ये मैंने स्लाइस ऐड करी है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो पिज्जा चीज मोजरेला चीज कुछ भी हो वो आप ऐड कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये भी सॉस हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को ऑन हो रही है, हम वेजिटेबल रेडी कर लेंगे। बटर मेल्ट होने देंगे, उसमें हम लहसुन की 5-6 कलियां हैं और 2 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा कुक करेंगे इनको। ये देखिए कुछ सब्जियां हैं मेरे पास 3 कलर की। ये बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च हैं, गाजर कट करी है मैंने, ब्रोकली ली है, ये मेरे पास स्वीट कॉर्न्स हैं और बेबी कॉर्न्स हैं, इन सब को डाल देंगे। फ्रेंड्स सब्जियों को हमने ओवर कुक नहीं करना, हाई फ्लेम पर इनको हम स्टर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट सब्जियों को पकाने के बाद इसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च ऐड कर हम लज़ानिया की लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। कोई भी माइक्रोवेव सिवर बर्तन ले लेंगे। फ्रेंड्स इसको मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी, आप इसको ओटीजी में भी बना सकते हैं, गैस पर भी बना सकते हैं। ये देखिए पहले हम रेड सॉस की लेयरिंग करेंगे। शीट रखने के बाद अब हम व्हाइट सॉस लगा देंगे। अब ये सब्जियों की लेयर लगा देंगे। फिर से हम शीट की लेयर लगा देंगे। अगेन रेड सॉस, व्हाइट सॉस की लेयरिंग कर देंगे। फिर से वेजिटेबल्स डाल देंगे। फ्रेंड्स लेयर जो नीचे वाली है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चीज डाल सकते हैं, अगर आपको कम खाना है तो 2 लेयर्स में ही डाल लीजिए। ये देखिए फिर से शीट कर देंगे। रेड सॉस की लेयर,
बस जितनी भी वेजिटेबल्स हैं बची हुई सब डाल देंगे। ये देखिए चीज है मेरे पास, अब इसको ऊपर से हमें अच्छे से कवर करना है। पांच मिनट का टाइम लगाकर सर्व करने से पहले रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़े से मिक्स हर्ब, और मजेदार बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा चाट मसाला।